केदारनाथ से बड़ी खबर, सोनप्रयाग से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। गौरीकुंड से लोगों को निकाल रही है एसडीआरएफ। सुबह से अब तक 100 से ज्यादा लोग निकाले गए हैं। मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर से नहीं हुआ रेस्क्यू, जंगल के रास्ते लोगों को निकाल रही है एसडीआरएफ। तो गौरीकुंड से लोगों को निकाला जा रहा है, जंगल के रास्ते लोगों को निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ लगातार मौके पर मौजूद है और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सोनप्रयाग से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, आपको बताया हेलीकॉप्टर से नहीं हो पा रहा है फिलहाल रेस्क्यू, क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। सुबह से अब तक 100 से ज्यादा लोग निकाले गए हैं। तो केदारनाथ से बड़ी खबर, गौरीकुंड से लोगों को निकाल रही है एसडीआरएफ। सुबह से ही अब तक 100 से ज्यादा लोग निकल चुके हैं। मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर से नहीं हुआ रेस्क्यू, जंगल के रास्ते ही लोगों को निकाल रही है एसडीआरएफ। तो बड़ी खबर आपको बताया, जो लोग फंसे हुए हैं आज उन्हें निकालने की पूरी कोशिश है और हेलीकॉप्टर से नहीं निकाला जा सक रहा है क्योंकि मौसम ठीक नहीं है और इसी वजह से अब जंगल के रास्ते से लोगों को निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ लगातार मौके पर मौजूद है और आज 100 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सोनप्रयाग से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए, गौरीकुंड से लोगों को निकाल रही है एसडीआरएफ। तो बड़ी खबर आपको बताएं, जितने लोग फंसे हुए हैं लगभग 7000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। अभी भी जितने लोग फंसे हैं उन्हें निकालने की पूरी कोशिश है और 100 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। 9 बजे के आसपास ये रेस्क्यू शुरू हुआ है, उससे पहले लगभग बताया जा रहा सुबह ही कोशिश ये की जा रही थी कि हेलीकॉप्टर से निकाला जाए, लेकिन मौसम ठीक नहीं है इस वजह से हेलीकॉप्टर से फिलहाल रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है। लेकिन एसडीआरएफ अब गौरीकुंड के रास्ते से इन लोगों को निकाल रही है और काफी चुनौतीपूर्ण ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है। तीसरा दिन आज है और कोशिश ये है कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। तो सोनप्रयाग से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है, 100 से ज्यादा लोग निकल चुके हैं, जंगल के रास्ते लोगों को निकाला जा रहा है। दिक्कतें जरूर आ रही हैं लेकिन एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और इन लोगों को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आज सभी लोगों को निकाला जा सके। तीसरा दिन आज है, तमाम श्रद्धालु जो लोग वहां फंसे हैं उन्हें प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं सब दी गई हैं, लेकिन आज कोशिश ये है कि सभी को निकाला जा सके।